वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रील डोज। आई होप कि आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे एंड मेरी वीडियो करते होंगे इंजॉय। तो आज मैं लाई हूँ एक प्रोडक्ट का रिव्यू, तो वो कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा ब्रांड है, वो सब बातें करेंगे आपके साथ। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब एंड वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको कीजिएगा लाइक एंड शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये अभी जो भी विंटर्स आने वाले हैं एंड इतने सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं तो उसके लिए ये प्रोडक्ट जो है काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, इसीलिए शेयर जरूर कीजिएगा। ओके गाइस, तो चलिए बात करते हैं मेरे पास कौन सा प्रोडक्ट है और कौन सा ब्रांड है। तो मेरे पास तीन प्रोडक्ट है, आज मैं आपको तीन प्रोडक्ट का रिव्यू दूंगी। तो वो प्रोडक्ट्स है ये मोहा ब्रांड के प्रोडक्ट्स हैं एंड मेरे पास ये तीन प्रोडक्ट है। एक है हर्बल स्क्रब, ये है फोर्ट क्रीम केयर और ये है नेल केयर क्रीम। तो मैं अभी तीनों का एक एक करके आपके साथ रिव्यू शेयर करूंगी एंड इनके क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्या फीचर्स है, वो सब बताऊंगी, तो वीडियो में बने रहेगा अंत तक। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट, लेट्स गेट स्टार्ट। ओके गाइस, तो बात कर लेते हैं मोहा ब्रांड के बारे में। इस ब्रांड के बारे में मैंने बहुत सुना है, अगर आपने नहीं सुना है तो आज मैं आपको बता देती हूँ कि मोहा ब्रांड क्या है एंड इसके प्रोडक्ट्स कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसका जो पेरेंट कंपनी है वो है चरक फार्मा लीडर और मोहा के जो सभी प्रोडक्ट है वो हर्बल होते हैं। इसमें आपको स्किन केयर एंड हेयर केयर दोनों प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो मेरे पास जो भी प्रोडक्ट्स है वो है स्किन केयर के। जो मोहा के प्रोडक्ट्स होते हैं वो अफोर्डेबल होते हैं, आप आसानी से इसको परचेज कर सकते हो एंड अभी जो है विंटर सीजन आने वाला है, वेडिंग सीजन आने वाला है, फेस्टिव सीजन आने वाला है, तो आपको इन सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। जिस तरीके से फेस की केयर करते हो, हेयर की केयर करते हो, उस तरीके से हम अपने नेल एंड फुट की भी केयर करनी चाहिए हमें। तो इसीलिए मैं आपके लिए ये सब प्रोडक्ट लाई हूँ, क्योंकि जो ठंड का मौसम आने वाला है विंटर में, हमारे स्किन जो है वो काफ़ी ड्राई हो जाती है एंड मेरी तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो इसीलिए ये तो मेरे लिए मतलब जस्ट लाइक अ वरदान जैसा ये प्रोडक्ट, तो आज आपके लिए भी उसका ये वरदान साबित हो। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इन सभी के इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी एंड फीचर्स बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी ये हर्बल स्क्रब के बारे में, मोहा हर्बल स्क्रब। एंड ये जो है आपके फेस को, इसको यूज़ करने के बाद आपका फेस जो है वो काफ़ी नेचुरली मतलब ग्लो करेगा एंड आपके जो स्किन है उसको हेल्दी बनाए रखेगा। और जो भी आपका कॉम्प्लेक्शन हो, चाहे आप फेयर हो, चाहे आप डस्की हो, चाहे ब्राउन हो, आप कोई भी शेड हो, मतलब आपका कॉम्प्लेक्शन कोई भी हो, मतलब और ज़्यादा अच्छा बनाएगा। और बात कर लेते हैं इसमें कौन से इंग्रेडिएंट है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे लिए काफ़ी मीन्स हमारे स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है। तो वो है वॉलनट, ऑरेंज पील, नटमेग, ऑलिव एंड रोज। तो इसमें ये जो पांच इंग्रेडिएंट्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड ये हमारे फेस के लिए, स्किन के लिए मीन्स काफ़ी अच्छा है। मैं आपको एक एक करके सभी के बारे में बता दूंगी, अभी बताऊंगी कि सभी से हमें क्या बेनिफिट है। जैसे वॉलनट जो है वो हमारे डेड स्किन को ख़त्म करता है, जो हमारा स्किन है डेड हो चुका है वो सेल को आप ख़त्म कर देगा। ऑरेंज पील जो है वो हमारे स्किन को और ब्राइटनिंग बनाता है और ज़्यादा हमारा स्किन जो है लाइट करता है, ग्लो करता है। ऑलिव ऑयल जो है हमारे स्किन के अंदर तक जाके हमारे स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। नटमेग जो है हमारे स्किन में जो भी प्रॉब्लम उसको ख़त्म करता है। देन उसका जो रोज़ है वो हमारे मॉइस्चराइजर को, मतलब हमारे फेस में जो भी मॉइस्चराइजर है उसको बनाए रखता है, उसको ख़त्म नहीं होने देगा। तो ये है इसके बेनिफिट्स और ये है मेरे पास 100 ग्राम का, जिसका प्राइस है ओनली 155 रुपीज़। तो देख सकते हो कि आपको 100 ग्राम सिर्फ और सिर्फ 155 रुपया 155 में मिल रहा है। तो गाइज देर मत कीजिए एंड इसको जरूर परचेज कीजिएगा, वेबसाइट से भी ले सकते हो। तो इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है कि। एंड सेकेंड प्रोडक्ट है मेरे पास ये फुट केयर क्रीम। तो ये जो है आपके फिट को स्मूथ बनाता है, चिकना बनाता है एंड आपके जो भी क्रैक आ रहे हैं हील्स में, यानी कि पैर फटना जिसको बोलते हैं, तो उसको भी ये बहुत ही जल्दी जो है वो कम कर देगा, ख़त्म कर देगा। फ्रीडम फ्रॉम क्रैक्स इसमें लिखा हुआ है और ये जो है
कुछ ही दिन यूज करोगे ना तो आपको इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, जैसा कि मुझे मिला है। मैंने भी इसको यूज किया एंड मेरा जो है विंटर आते ही मतलब पैरों का फटना जो है स्टार्ट हो जाता है, हील्स क्रैक होने लगते हैं। तो मैं तो इस प्रॉब्लम से बहुत दिनों से परेशान थी, तो अब जो है ये सॉल्यूशन हो जाएगा मोहा के तरफ से, मोहा ब्रांड के कारण ये मतलब मैं इस परेशानी से निजात पा लूंगी। तो ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, तो बात कर लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की। तो इसमें जो है पपाया है, एलो है, एलो मीन्स एलोवेरा है, एंड पेपर मिंट है। एंड हम सब जानते हैं कि पपाया एंड एलोवेरा पेपर मिंट सब कितना हमारे लिए बेनिफिट है, हाँ बेनिफिशियल है मीन्स। तो सबसे पहला पपाया, तो पपाया हमारे लिए कैसे वर्क करता है तो उसके बारे में आपको बता देती हूँ। पपाया जो है इसमें विटामिन होते हैं, भर भर के विटामिन होते हैं, क्योंकि हम लोग पपाया खाते भी है हेल्दी रहने के लिए। तो इसमें पपाया है जो कि बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है, जो कि आपके पैरों को सॉफ्ट बनाता है एंड आपके जो हील्स हैं क्रैक हो रहे हैं उसको भी ये रोकता है, ख़त्म करता है। फिर उसके बाद पेपरमिंट ऑयल सूदिंग के लिए होता है। ओके, देन एलोवेरा, एलोवेरा जो है वो आपके स्किन के मॉइस्चराइजिंग को बनाए रखता है, मतलब आपकी स्किन जो है वो हमेशा मॉइस्चराइज रहेगी। तो एलोवेरा जो है हम लोग ऐसे ही बहुत यूज़ करते हैं एंड हम लोग जानते हैं उसकी क्या क्या बेनिफिट है, तो आपको इसमें एलोवेरा भी मिल रहा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। एंड ये भी जो है ये 100 ग्राम का है, तो इसका प्राइस है 250 रुपीज़। तो ये भी काफ़ी जो है अफोर्डेबल है 250 रुपीज़। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, एंड वो है मेरे पास ये मोहा का नेल केयर क्रीम, जो कि मेरे लिए बहुत ही अच्छा साबित हो रहा है। क्यों बता रही हूँ वो भी, क्योंकि मेरी अगर आपने वीडियोस देखी होगी तो मैं नेल आर्ट भी करती हूँ, एंड इधर जो है ना मेरे नेल्स काफ़ी टूट रहे थे, आप देख सकते हो छोटे हो चुके हैं मेरे नेल। अदर वीडियोस में आप देख सकते हो कि लॉन्ग नेल्स है मेरे, तो इधर जो है काफ़ी ज़्यादा ये वीक हो चुके हैं, कमज़ोर हो चुके हैं, टूटने लगे हैं। तो इसीलिए मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू किया, एंड देखिए आप देख सकते हो कि ग्रो हो रहा है, धीरे धीरे मेरा जो नेल का ग्रो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, एंड ये जो है आपके नेल को स्ट्रॉन्ग हेल्दी बनाता है एंड ग्लॉसी नेल्स बनाते हैं। तो काफ़ी नेल पेंट नहीं भी लगाओ तो काफ़ी अच्छे लगेंगे आपके नेल्स। एंड बात कर लेते हैं अब इसके इंग्रेडिएंट्स की। तो इसमें जो है आलमंड ऑयल है एंड फ्लेक्सीड ऑयल है। तो आलमंड ऑयल तो हम जानते हैं कि हमारे लिए काफ़ी अच्छा होता है एंड फ्लेक्सीड्स भी। तो इसका क्या क्या बेनिफिट है वो भी बताती हूँ। आलमंड ऑयल में जो है वो विटामिन ई होता है, जो कि हमारे नेल्स के लिए काफ़ी अच्छा है। ओके, एंड इसमें फ्लेक्सीड ऑयल है जो कि हमारे नेल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है एंड हमारे नेल्स को जो है वो प्रोटेक्ट करता है, टूटने नहीं देगा आपके नेल्स को। तो ये भी प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी अच्छा है, एंड ये 100 ग्राम का प्रोडक्ट है मेरे पास, एंड इसका प्राइस 200 है, ओनली 200। तो आप देख सकते हो कि मोहा के जो भी प्रोडक्ट्स है वो काफ़ी अफोर्डेबल है, सब 200-250 इसी टाइप के रेंज के हैं। एंड इसके और भी मतलब अदर प्रोडक्ट्स हैं जैसे शैम्पू वगैरह, तो आप उसको चेकअप कर सकते हो जाकर। ओके गाइज, तो अब इसको यूज़ कैसे करना है तो वो मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से आपको इन तीनों प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है। ओके, तो अब मैं इसको बताती हूँ कि कैसे यूज़ करना है। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो काफ़ी थिक है। तो सबसे पहले आप अपने पैरों को वॉश कर लीजिए, उसके बाद पैड ड्राई कर लीजिए, देन उसके बाद इसको अपने एंकल में यूज़ करना है, जहाँ भी आपके हील्स फट रहे हो। आप जैसे देख रहे हो मेरा ना स्टार्ट हो चुका है, तो बस मैं यहाँ पर अप्लाई कर लूँगी एंड पूरे फुट में अप्लाई करूँगी। ये आपको टो से लेकर एंकल तक अप्लाई करना है पूरा। ये देखो काफी अच्छा लग रहा है, एंड इसका जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ही अच्छा है। एंड आपको जो है बेड टाइम में करना है, मेरा मतलब जब आप सोने जा रहे हो उसके पहले आप ये प्रोसेस करें, इसको लगा लें, देन उसके बाद आप सोने जाइए, तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा ये। ये है मोहा का नेल क्रीम, नेल केयर क्रीम। तो अब मैं दिखाती हूँ इसको कैसे यूज करना है। तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो भी थिक है, देख सकते हो। एंड आपको जो है ये जो नेल है इस पे यूज करना है इसको।
ओके तो पहले आपको करना क्या है कि अपने हैंड को वॉश कर लेना, नेल को क्लीन कर लेना है। देन उसके बाद जब आप सोने जा रहे होते हो तब आप उसको अप्लाई करो, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा एंड इसका भी फ्रेग्रेंस जो है वो काफ़ी अच्छा है एंड बेड टाइम में जो है ये काफ़ी आपके लिए फ़ायदा रहेगा। एंड जब तक ये एब्जॉर्ब ना हो जाए तब तक आपको जो है वो इसको मसाज करते रहना है, फुट क्रीम में भी ऐसे ही करना है एंड इसमें भी। तो आप देख सकते हो कि इसको यूज करने के बाद कितने अच्छे ग्लोसी लग रहे हैं ना, काफ़ी लाइट कर रहे हैं मेरे नेल, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ओके तो अब मेरे पास ये हर्बल स्क्रब है जिसको मैं दिखा देती हूँ कैसे यूज करना है। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो काफ़ी थिक है एंड इसको यूज करना है कैसे, तो सबसे पहले अपने फेस को कर लेंगे हम वेट। देन 2 से 3 मिनट तक आपको इसको फेस में अपने मसाज करना है और ये आपके आईज में नहीं जाना चाहिए एंड इसके जो पार्टिकल्स है वो काफी बहुत ही मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स है जो कि आपके फेस में कोई भी इरिटेशन नहीं करेंगे, बहुत अच्छा है मीन्स। ओके एंड इसका जो फ्रेग्रेंस है वो भी काफी अच्छा है एंड मतलब बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, सारे मोहा के सारे प्रोडक्ट्स काफी अच्छे लगे मुझे। तो चलिए अब मैं इसको 2 से 3 मिनट तक मसाज करूंगी एंड इसके बाद इसको आपको वॉश करना है एंड पैड ड्राई कर लेना है। एज यू कैन सी कि मेरा फेस जो है वो मोहा का जो हर्बल स्क्रब है वो यूज करने के बाद काफी सॉफ्ट एंड काफी रिफ्रेश लग रहा है मेरा फेस। तो इसको लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, तीनों प्रोडक्ट्स काफी ही अच्छे हैं, काफी अच्छे हैं मीन्स एंड मेरे लिए जो भी बेनिफिट होता है, प्रोडक्ट बेनिफिशियल होता है, मैं आपके साथ वही शेयर करती हूँ, तो बिल्कुल भी ना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी, कैसे लगे आपको मेरे ये प्रोडक्ट्स कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड इसका लिंक जो है वेबसाइट का वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।